इन्फो स्टोरीज में आपका खुश आमदीद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो स्टोरीज और फेसबुक पेज। आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक कर लें। आज मैं मौजूद हूँ जो है वो जंगल में, मंगल का समय है जिस तरह से कहते हैं। यहाँ पे आसपास जो है वो रेत के टीले हैं, लेकिन आज उस रेत के टीलों में एक बड़ा बहुत बड़ा समा बना हुआ है जिस तरह से जंगल को एक चार चांद लग चुके हैं। आज थल जीप रैली का दूसरा रोज़ है। तमाम तर इंतजाम जो हैं वो बड़े जोश जज्बे के साथ जारी हैं। मुख्तलिफ तकरीबात का भी जो है वो इनकाद हो चुका है और कुछ तकरीबात अभी रहती भी हैं। इस हवाले से आपको बताता चाहूँ कि इस जीप थल रैली जो है वो उसका ये मिड पॉइंट है। चुबारा 200 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। 100 से ज़ायद जो है वो रेसर्स और मॉडिफाइड गाड़ियाँ इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस हवाले से रेसर से जब हमारी बात हुई तो इनका कहना है कि ये जो है वो ट्रैक इस मरतबा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम अपने फ़न का मुजाहरा करके इंशाल्लाह आने वाली मुश्किलात का जो है वो सामना करेंगे। इस हवाले से मैं आपको बताते जाऊं कि यहाँ पे एक थल मेले का भी जो है इनकार किया गया है। थल की सकाफत को उजागर करने के लिए ये मेला जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसमें हाथ से बनी गई थल की जो विषय है उनकी नुमाइश भी की जा रही है और मुख्तलिफ किस्म खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए जिससे लोग काफ़ी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। और साथ साथ आपको ये भी बताता जाऊँ कि आज जो है वो आज म्यूज़िकल नाइट का भी जो है तमाम किया जाएगा, जिससे सराकी सॉन्ग्स के और सिंगर्स वगैरह जो है वो अपनी परफॉर्मेंस करेंगे और सराकी लोगों और देहाती लोगों को जो है वो काफ़ी महलूज करेंगे। इस हवाले से आपको सिक्योरिटी के अगर इंतजाम के हवाले से बताऊँ तो सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए। पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस एहलकार जहाँ पर तैनात किए गए और साथ साथ रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों के जो है वो मुलाजमीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी गैर मुमकिन सूरत से निपटने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। आपको बताता जाऊँ कि आज जो है वो शौकीन की भी एक काफ़ी तादाद कल की नस्बत से, क्योंकि आज इसका दूसरा रोज़ है, तो शौकीन की काफ़ी तादाद जो है वो उमड़ आई है और शौकीन भी जो है वो काफ़ी लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया।